देखिए प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन में आप जानते हैं कि परावर्तन में क्या होता है कि किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, जिसका परावर्तन नहीं होगा वही अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई वृत्तकारी तल है, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, मान लीजिए पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल स्थिति से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल स्थिति से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जो मतलब विचलित हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, मतलब जो आप जिसका जो परावर्तित नहीं होती है बल्कि इधर उधर हट जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, आने वाली किरण को आपतित किरण और विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। इतना याद रहेगा, क्या बोलोगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल स्थिति से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। अब देखिए इसमें इसके दो नियम होते हैं, पहले माध्यम देख लिया जाए। माध्यम देखा जाए तो इसमें माध्यम दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। याद रखिए जो भारी माध्यम होगा वो सघन माध्यम होगा, जो हल्का माध्यम होगा वो आपका विरल माध्यम होगा। विरल का मतलब होता है सुनसान, मतलब जहाँ पर बहुत कम चीज पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, जहाँ ज्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। इसके लिए याद रखिएगा, जैसे आप परावर्तन में ही बोला जाता है, मान लीजिए कि यह सघन माध्यम हुआ और ये विरल माध्यम हुआ, तो अपवर्तन के लिए बोला जाता है कि अभिलंब बनेगा, अपवर्तन में जहाँ टकराएगा वहाँ अभिलंब बनाएगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रहेगा ना, देखो तायकात का कारण होता है, ये जब ऊपर वाला भारी होगा नीचे वाला हल्का होगा तो उधर लेके चला जाएगा, और लेकिन बताइए कि ऊपर नीचे, ऊपर वाला हल्का नीचे वाला भारी, तो अपना खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किन किन अवस्थाओं में होता है। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है, पांच जानते हो लेकिन तीन अवस्थाओं में जा रहे हैं, तो इसके पहले हम देख लिया जाए, उसके बाद अपवर्तन की घटना देखेंगे हम लोग क्या कहा होता है। इतना समझ में आ गया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसके देखिए दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम परावर्तन की तरह ही होता है, केवल परावर्तित की जगह पर अपवर्तित लिख देना है। क्या बोलोगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है, यह अपवर्तन का पहला नियम है। क्या लिखोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में स्थित होता है। अब दूसरा नियम बोलता है कि किन दो माध्यमों के लिए, याद रखिएगा, किन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई, आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियत होता है, उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के दूसरे नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या बोलोगे, किन दो माध्यमों के लिए आपतित कोण कीजिए सॉरी आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियत होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ छोड़ दिया, कोण बताइए कहाँ से मापा जाता है, परावर्तन और अपवर्तन और कोण कहाँ से मापा जाता है। तो कोण याद रखिएगा हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। कोण कहाँ से मापा जाता है, अभिलंब से। परिभाषा बोलोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ना ये छोड़ देते भूल गए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो समझ में आ गया, वही बोला जा रहा है कि किन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियत होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। यहीं से परिभाषा बनी अपवर्तनांक, यही परिभाषा बोलना भी आप लोग को। अपवर्तनांक की तीन परिभाषा बताई जाएगी, कोई भी आप लिख सकते हो। क्या बोलोगे कि किन दो माध्यमों के लिए, किन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वन एन टू को क्या बोलोगे आप लोग, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत है, तो क्या बोलोगे कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखो ट्रिक याद रखिए, यदि भूलते हो तो जिसके साथ के सापेक्ष रहेगा वो हमेशा पहला माध्यम होगा, जिसके साथ के सापेक्ष रहेगा पहला माध्यम, आज जिसके साथ का रहेगा वो कौन माध्यम हो जाएगा, दूसरा का भरमावे का सुन लो का कहती दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। भरमाने के लिए मत सोचेगा दूसरे माध्यम पहले, तो टू एन वन निकालोगे ना। जिसके साथ का के सापेक्ष रहेगा वो पहले का माध्यम, का रही तो दूसरे का माध्यम। अब वन एन टू बराबर होता है दूसरे का बटा पहले का, वन एन टू बराबर क्या होगा दूसरे का बटा पहला। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में बोल दे आप लोगों से ए मतलब यहाँ से जी एन डब्ल्यू पढ़ोगे क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तन, जी माने ग्लास डब्ल्यू माने वाटर, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बना तो पूछेगा तो दूसरे का बटा पहले का होगा। याद रखिएगा दूसरे का बटा पहले का, न्यूमेरिकल के लिए ट्रिक याद रखिएगा, दूसरा बटा पहला, जिसके साथ के सापेक्ष रहेगा पहला माध्यम, का रहेगा दूसरा माध्यम। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जैसे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम्पल में, अब हर एक साल पेपर में बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, अब बताया नहीं जाता है कई जगह। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ये मान लो कि 30 अंश दे दिया, मान लो कि 45 अंश दे दिया, वही 60 अंश दे दिया, अब कहेगा कि इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को एन से व्यक्त करोगे या म्यू से,
एन या म्यू से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, अपवर्तनांक एन या म्यू से। अब सुनिए क्या हुआ, इसमें क्या बोल देगा कि जैसे मान लीजिए इसमें बोल देगा न्यूमेरिकल एरर लेना, पेपर में आता है, बोल देगा कि ये 45 है, ये 60 है, इसमें एन का मान ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या करोगे, डायरेक्ट कहोगे तो हर यार हो, ये गलत है। हमने बताया कोण कहाँ से मापा जाता है, अभिलंब से, कहाँ से, अभिलंब से। तो बताओ हर पूरा 90 है तो इसको घटा दो, 90 में से 45 जाएगा तो 45, और 90 में से 60 जाएगा तो 30 ना होगा, तब ये वाला आई होगा, ये वाला आर होगा, ये बात याद रखना। हम निकाल लोगे एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, आई के जगह पर बताओ कितना दे लेगा 45, आर के जगह पर कितना दिया है 30, बताओ साइन 45 का मान 1/2 करने दो, साइन 30 का मान 1/2, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 करणी में 2, कैंसिल कर दोगे तो बताइए कि एन का मान करणी 2 आया कि नहीं आया, करणी 2 का मान 1.414। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर लीजिएगा पेपर के लिए, और ये समझ में आ गया होगा कि कोण यहाँ से मापा जाता है, ठीक है, अभिलंब से, यहाँ पृथकारी तल से नहीं नापोगे, यदि पृथकारी तल पे देगा तो ये वाला कोण 90 में से घटा कर निकाला जाता है, ठीक, इतना तो समझ में आ गया। फिर यहाँ से हम लोग एक पढ़ेंगे एन बराबर सी बटा भी, एन बराबर सी बटा भी, एन को अपवर्तनांक बोलते हैं, एन बराबर अपवर्तनांक, इस पे नमेरिकल आता है, देखिए नमेरिकल इसमें से पूछा जाता है, एन बराबर जहां सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये वाला भूल सकते हो कि निर्वात ऊपर रहेगा कि नीचे, क्या आता है, पहले सी आएगा कि भी आएगा, सी आता है ना, तो सी ऊपर रहेगा भी नीचे रहेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, गहराई के लिए भी बताया जाएगा, पहले इतना समझ में आ गया कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा ये बताइए एन बराबर सी बटा भी, देखिए बताया गया एन बराबर सी बटा भी, यहाँ सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, अभी बताया, बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, याद रहेगा ना। अच्छा ये बताइए कि माध्यम को अलग अलग कर दिया जाए तो उस समय निर्वात में प्रकाश की चाल तो वही रहेगी ना, एन वन बराबर सी बटा वी वन समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, एन टू बराबर क्या हो जाएगा सी बटा वी टू समीकरण नंबर 2, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बदलेगी नहीं। अच्छा ये बताओ हम दूसरा बटा पहला निकाले समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा एन टू बटा एन वन इक्वल टू सी बटा वी टू बटा सी बटा वी वन, सी से सी कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा वी वन बटा वी टू, एन टू बटा एन वन बराबर क्या मिला हम लोग को सूत्र वी वन बटा वी टू। आप यहाँ से हमने आपको बताया ना इसको क्या पढ़ोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरका बटा पहले का, एन टू बटा एन वन के जगह यह पक्का बढ़ जब वी वन बटा वी टू। इतना समझ में आ गया, तीन सूत्र मिला तो अपवर्तनांक का दूसरा परिभाषा सुन लो क्या बोलोगे, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए उसके माध्यमों के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यमों के अलग अलग माध्यमों के चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखिए आपने पढ़ा है तरंग वेग में, तरंग वेग बराबर क्या होता है जी, भी बराबर एन इंटू लेमडा, जहाँ एन इसमें आवृत्ति होती है, अपवर्तनांक नहीं होता है, और नोट में याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति का मान अपवर्तित रहता है,
नोट में क्या याद रखोगे कि अब आवृत्ति का मान नहीं बदलता है अपवर्तन में, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, अपवर्तित रहता है। बहुविकल्पीकरण रट लो, आवृत्ति का मान क्या होता है, अपवर्तित रहता है। तो बताओ लेमडा का मान बदलेगा तो बी वन बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा वन, बी टू बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा टू। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण एक बटा समीकरण दो से, समीकरण एक बटा समीकरण दो से तो क्या हो जाएगा, बी वन बटा बी टू इक्वल टू एन लेमडा वन बटा एन लेमडा टू। एन से एन कैंसिल, तो बताइए कि बी वन बटा बी टू के जगह पर क्या लिखोगे, लेमडा वन बटा लेमडा टू। बी वन बटा बी टू बराबर लेमडा वन बटा लेमडा टू, तो बताओ इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतना हम लोग को मिल गया कि साइन आई बटा साइन आर बराबर वन एन टू बराबर एन टू बटा एन वन इक्वल टू बी वन बटा बी टू बराबर लेमडा वन बटा लेमडा टू, और आवृत्ति का मान कभी बदलता नहीं। अच्छा ये बताइए, ये तो समझ में आ गया, इतना भी इतना कोई दिक्कत है किसी को, अपवर्तन की घटना में कभी भी आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। अब क्वेश्चन आ जाए, जैसे एग्जांपल में बोल दिया जाए कोई भी निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं, ये बोल दे कि भाई मतलब निर्वात में कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है उसका, कांच में माध्यम में कांच का कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या लगाओगे, n बराबर c बटा v, न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो डाल दिया जाएगा जितना इसमें से आता है, ठीक। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन हो जाए आपसे पूछा जाए कि क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना ठोस द्रव गैस में, मतलब अपवर्तन की घटना ठोस द्रव गैस में किसमें होती है और किसमें नहीं, किसमें होती है और किसमें नहीं होती है। तो हम लोग सबसे पहले गैस का एग्जांपल उठाते हैं, हम लोग देखेंगे कि बताइए, आप पूछोगे तो बोला जाएगा ठोस द्रव में होगा, लोग बोलते गैस में नहीं होता, जबकि हम सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर गैस का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें हवा हवा माध्यम आ सकता है। अच्छा ये बताइए, हम एक दूसरे से दूरी पर बैठे हैं, कुछ दूरी पर बैठे हैं, बीच में माध्यम है कि नहीं, बीच में माध्यम है ना, बीच में माध्यम हवा है या निर्वात या वायु है, माध्यम है कि नहीं, हवा है बीच में, उसके बावजूद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बताइए कि नहीं दिखाई देगा, केवल खुद की फोटो देखोगे दर्पण है, आर पर देख लो कि अपवर्तन, तो बताइए कि दिखाई दे रहा है ना। इसी बीच में एकदम धुआं ले दिया जाए, सफेद धुआं एकदम हल्का हल्का दिखाई देंगे, काला धुआं ला देंगे तो नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब हुआ क्या कि माध्यम बदल रहा है तो अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल बदल रही है। अर्थात बताइए अपवर्तन की घटना गैस में हुई कि नहीं हुई, अपवर्तन की घटना गैस में होती है। द्रव में क्या बोल दिया गया, द्रव में जैसे मान लीजिए तुम जा रहे, मतलब यह गिलास है, इसमें हमने पानी को भर दिया और द्रव में रखी पानी, इसमें पेंसिल को जब डालोगे तो यह पेंसिल कैसे दिखाई देगी, तिरछी दिखाई देती है, कैसे दिखाई देगी, ये पेंसिल तिरछी दिखाई देगी यहाँ से देखोगे तो। एग्जाम्पल पूछा जाता है, यदि देखिएगा प्रतीत की बात आ जाए कभी भी, ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक का मतलब इसमें क्या बोलोगे, जब प्रतीत की बात आ जाए या टिमटिमाने की बात आ जाए तो याद रखिएगा हमेशा किसकी घटना होती है, अपवर्तन की। टिमटिमाने की बात आ जाए, प्रतीत की बात आ जाए तो यह हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। तो बताइए कि आप पेंसिल मतलब शीशे में गिलास में रखे, पेंसिल गिलास में भरे द्रव के अंदर जब पेंसिल को भरा जाता है तो पेंसिल क्यों दिखाई देती है, तिरछी, तिरछी दिखाई भी प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का रख दोगे और यहाँ से देखोगे तो आपको सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा, और सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, द्रव में होता है अपवर्तन के कारण, और ठोस में तो आप जानते ही हो, चश्मा लगाया जाता है, लेंस जानते हो कि नहीं जानते हो, लेंस आपका ठोस है। तो बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन ठोस द्रव गैस तीनों में हुआ कि नहीं हुआ, प्रकाश का अपवर्तन ठोस द्रव गैस तीनों में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तारे रात रात में, रात रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं,
रात्र में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। रात्र में तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन आता है। रात्र में तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। गैस वाला एग्जांपल बताया। अभी बताइए कि माध्यम में हवा है कि नहीं। आकाश में वायुमंडल में अलग प्रकार की गैसें हैं और यही कारण हम ऊपर देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह क्या होता है? माध्यम चेंज होता है तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अभी बताए ना, जैसे कि यहाँ पर हवा है तो साफ दिखाई देगा, सफेद धुआं डाल दिया जाए तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। एकदम काला धुआं यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो आप पर हम नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। पूछा जाता है अंतरिक्ष में यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो वह अपवर्तना के कारण बताया जाएगा आपको, ठीक है? दिक्कत है इसमें किसी को? इतना समझ में आ गया कि रात्र में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों टिमटिमाते हैं जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दिक्कत है किसी को? अब उसके बाद अपवर्तन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? लेंस, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म, उसके बाद नेत्र, अनेत्र के बाद ये टॉपिक खत्म। उसके बाद हम लोग विद्युत, विद्युत का तो कुछ वीडियो डाले हैं लेकिन शुरू से डाल दिया जाएगा, चुंबक पढ़ा दिया जाएगा, हाई स्कूल का खत्म हो जाएगा।